गुना जिले के भी प्राइवेट स्कूल संचालकों ने कलेक्टर को ज्ञापन दिया। इसमें उन्होंने बताया कि कोरोना महामारी की वजह से पिछले 2 साल से स्कूल बंद है। हम कोरोना महामारी में जारी निर्देशों का में स्कूलों का संचालन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आज शिक्षा विभाग के द्वारा नवीनीकरण के लिए परीक्षण भी किया जा रहा है। इसमें जानकारी मिली है कि सरकारी स्कूलों के द्वारा बिना टीसी एडमिशन दिए जा रहे हैं। इससे नाराज प्राइवेट स्कूल संचालक एसोसिएशन 13 जुलाई को ये फैसला किया है कि सभी प्राइवेट स्कूल संचालक अपने स्कूलों की चाबी डीओ ऑफिस में देकर आएंगे। जब तक उनकी मांगे पूरी नहीं होंगी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर रहेंगे। साथ ही ऑनलाइन क्लासेस भी बंद करने का निर्णय है। जब मध्य प्रदेश से लगे हुए 9 राज्यों में वहां स्कूल को खोलने की परमिशन दे दी गई, तो फिर मध्य प्रदेश सरकार ने स्कूलों को अभी तक बंद क्यों रखा गया है। स्कूल संचालक ने बताया कि अगर मध्य प्रदेश सरकार हमें स्कूल खोलने की परमिशन देती है तो हम कोरोना गाइडलाइन का पालन करते हुए स्कूल खोलेंगे। समस्या क्या है? देखिए, अन्य राज्यों में स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन मध्य प्रदेश शासन ना जाने स्कूल क्यों नहीं खोल रहे, जबकि हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, अन्य राज्यों में विद्यालय खुल चुके हैं। हम भी यही चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में भी सिस्टम से स्कूल खोले जाएं और SOP जो नियम है उसके अनुसार स्कूलों को बोला जाए मध्य प्रदेश में। और सर, ये ऑनलाइन जो आप क्लासेस बंद कर रहे हैं, इसका अगला निर्णय क्या होगा? देखिए, ऑनलाइन इसलिए बंद की जाएगी क्योंकि जब स्कूल में पढ़ाई ही नहीं होगी तभी अभिभावकों को समझ में आएगा, क्योंकि अभिभावकों की भी शिकायत है कि बच्चों की आंखों पर प्रभाव पड़ा है, उनकी मानसिक स्थिति को भी कहीं ना कहीं ठीक पहुँची है। तो हम यही चाहेंगे कि इस तरीके से अगर काम चलते रहे तो फिर बच्चों पर भी कहीं ना कहीं जो है इस चीज़ का असर पड़ेगा। हम चाहते हैं लाखों बच्चों, करोड़ों बच्चों की जो है सुविधा को ध्यान में रखते हुए हम चाहते हैं कि मध्य प्रदेश शासन की